हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स वगैरह सब खैरियत से होंगे। और इस वक्त मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। अब मैं सुबह मॉर्निंग में फीड डालने के लिए आया हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मालूम दूंगा कि फीड किस तरह आदि होगी, क्योंकि डे बाई डे इसके दाने की कीमत जो राइज होती जा रही है। तो मैं आपको बताऊँ कि किस तरह दूसरी फीड पर परिंदों को लेके आ सकते हैं। तो इनको आप कुछ नहीं, इनको रोटी डालें, परिंदों को रोटी जो होती है रात की बची हुई वो रोटी दे सकते हैं। उससे अगर आपके परिंदे ना खाएं, वो मुंह नहीं मारेंगे, जाहिर सी बात है पहली दफ़ा बर्ड रोटी डालेंगे, तो रोटी हो, तंदूर की रोटी ना हो, घर की बासी रोटी हो, नरम रोटी हो, वो रोटी डालने का तरीका है। बर्ड्स अगर मुंह नहीं मारते, कम से कम बाजरे को 3 से 4 घंटे हटा दीजिए। 3 से 4 घंटे हटाने के बाद वो रोटी इसमें रख दीजिए, इंशाल्लाह ताला ज़रूर मारेंगे और परिंदों का कलर वगैरह भी सेट हो जाएगा, परिंदे बहुत सेहतमंद हो जाएंगे और दूसरे बच्चे इनके बड़े अच्छे सेहतमंद निकलेंगे। रोटी तो इंसान भी खाता है, रोटी बहुत पावरफुल चीज़ है और बहुत ही कम खर्चे में ये आपका जो है ना बजट बिल्कुल आधा हो जाएगा। ये है कि ये समझ अगर 5 किलो खाते हैं तो 2.5 किलो ये आप इनको इस पर लेके आ सकते हैं दाने के ऊपर। और इसमें जो है ना ये ऑस्ट्रेलियन को बज्जीस को डाल सकते हैं, फिशर को, लोटिनो को, कॉकटेल को, ये रोटी खाएंगे। फिंचिस वगैरह नहीं खा सकते, फिंचिस बहुत नाजुक परिंदा है, छोटा परिंदा है, वो रोटी नहीं खा सकते। उनको फिंचिस को जो है ना उनको जो रिप्लेसमेंट करूँगा मैं, उनको चावल बॉयल राइस जो होंगे वो मैं डालूँगा, बॉयल राइस डालूंगा और जावा को बॉयल राइस डालूंगा और जावा को रोटी भी डालूंगा, ये रोटी खा सकते हैं। फिंचिस नहीं खा सकती, इनके लिए बॉयल राइस डालें। फिंचिस के रेट भी अच्छे हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इनको चावल पे फिंचिस को लगा दें और कंगनी आधी हो जाएगी आपकी। अगर मेरे पास अभी 30 से 40 जोड़े हैं, वो कम से कम 3 पाव कंगनी खाती है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आधी चावल इनको डालूंगा और बॉयल राइस डालूंगा और आधी कंगनी डालूंगा। 3 पाव है तो मैं कम से कम 1 पाव या 1.5 पाव कंगनी डालूंगा, जावा के साथ भी ये करूँगा, रोटी डालूंगा, थोड़ी राइस डालूंगा, थोड़ी कंगनी बाजरा डालूंगा, ताकि हमारा क्योंकि परिंदे की कीमत जो है ना बहुत नीचे आती जा रही है, दाने की कीमत बढ़ती जा रही है। और कुछ पर दुकान वालों का भी मसला है, दुकान वाले भी जान मुझके बढ़ा रहे हैं। और कोई आपको चीज़ नहीं, सिर्फ बाजरा, कंगनी, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, सूर्यमुखी के बीज ये डालें, बाकी कोई चीज़ नहीं डालें। और ये मैंने बताया, रोटी वगैरह डालें, चावल पर फिंचों को डालें, जावा को रोटी डालें और चावल डालें। बाकी जितने बज्जीज हैं, कॉकटेल है, फिशर, लुटीनो, मैंने आपको दोबारा बताया, इनको रोटी पे लगा सकते हैं और ये रोटी खाने वाले हैं। अगर नहीं खाते, मैंने बताया ना आपको, आप इनका बाजरा हटा दें और इंशाल्लाह ताला 3 से 4 घंटे और उसके बाद सिर्फ रोटी रख दें, देखेंगे 3-4 दिन खाएंगे, इसके बाद ये रोटी की देखते रहेंगे कि रोटी कब डालेंगे। अब इस वक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इनको दाना डाल रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें डाल रहा हूँ, मैं आपको बताता रहूँगा और अपडेट देता रहूँगा। और इसके बाद मैं ये तो मैंने बता दिया, और दूसरी चीज़ मैं आइंदा की वीडियो के अंदर मैं एक और चीज़ बताऊँगा कि बर्ड्स जो बीमार हो जाते हैं, बर्ड्स को कोई चीज़ मिलती नहीं है, बर्ड्स जो है ना बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो मैं उसके लिए भी एक आपको फार्मूला क्या, मैं एक बहुत ही सस्ती भी नहीं, बिल्कुल फ्री चीज़ है, वो मैं बताऊंगा। वो आप सब बर्ड्स को चीज़ पिंजरों के अंदर रख दें, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स वो भी सेट हो जाएं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अगर ये आपको मेरा आइडिया पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और मज़ीद मैं आपको बताऊँगा कि इनको क्या चीज़ डालनी है, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी मैं फीड करा रहा हूँ, इनको फीड डाल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखते रहिए। ये मैं जावा के सेटअप पे आ गया हूँ, मैं इनको फीड वगैरह डाल रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूँ क्या चीज़ें मैं डाल रहा हूँ। ये देख लें, ये रोटी है, ये रोटी है और ये चावल है, और बाकी मैं फिर ये दाना मैं इनको बिल्कुल कम डालूँगा। हाँ, हालांकि ये 1/2 किलो के करीब खाती हैं, मैं इनको बारीक कंगनी बाजरा मिक्स करके मैं 1 पाव 1.5 पाव डालूँगा, ताकि मैं रोटी और चावल पर इनको लगा सकूँ और ये बिल्कुल खाएँगे, सेहतमंद रहेंगे, इससे कोई मसला नहीं है। ये मैं जावा को डाल रहा हूँ, ये जावा को डालूँगा और ये रोटी में जावा को डालूँगा, ये रोटी में डालूँगा, ये जावा को डालूँगा। ये जावा के पिंजरे में मैंने रख दिए हैं, ये रोटी मैंने रख दी है, बाजरा, कंगनी, ये सब मिक्स करके मैंने रख दिया है, चावल भी रख दिए हैं, ताकि बाजरा, कंगनी कम हो जाए। मैंने बहुत कम डाली है, कम से कम ये 3 पाव खाती हैं, 40 से 45 जोड़े हैं। इंशाल्लाह ताला इसको पूरा करूँगा, इससे ही बजट आधा होगा दाने का, क्योंकि दाना इतना महंगा आप पूरे करें, परिंदे सस्ते होते जा रहे हैं, तो बजट को इस तरह ही लिमिट में ला सकते हैं। अब मैं फिंचों के सेटअप पे आ गया हूँ, ये फिंचों के सेटअप पे मैं इनको फीड वगैरह चेंज करूँगा, मैं दिखाता हूँ क्या फीड डाल रहा हूँ। ये मैं फिंचों के पिंजों पर सेटअप पर डाल रहा हूँ, ये चावल डालूँगा मैं, ताकि इनका आधा हो जाए। ये मैंने फिंचों को डाल दिया चावल,
अब मैं थोड़ी कंगनी डालूँगा, कंगनी कम डालूँगा, ये भी अच्छी खासी है, ये भी अच्छी खासी है, इनको भी कम डालूँगा मैं। ये भी 30-40 जोड़े डाल दिया मैंने भिंचों के सेटअप पे। ये अपना कंगनी, बारीक कंगनी, और ये चावल आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये पानी वगैरह रख दिया, और ये पिंचे इंशाल्लाह ताला जैसे मैं दूर जाऊँगा ये सब पिंचे उतरेंगे और खाना शुरू कर देंगे। अब मैं ये लोटीनो के सेटअप पे आ गया हूँ, अभी इंशाल्लाह मैं लोटीनो को फीड वगैरह डालूँगा, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डाल रहा हूँ फीड। अभी ये रोटी है, ये रोटी है, मैं इनको रोटी डालूँगा, ये लोटीनों को ये देख लिया, ये 4 से 6 रोटियाँ हैं और सब घर की हैं। अगर घर से ना मिले तो कबाड़ी की दुकान से ले सकते हैं, 20 रुपये किलो मिल जाएंगी आपको, नरम रोटियाँ, बेहतरीन रोटी होती है। और ये मैं सब आपको अभी तो डाल रहा हूँ, सुबह मैं कल सुबह मैं अपडेट दूँगा कि इन्होंने खाया नहीं खाया। ये मैंने इतनी सारी रोटी डाली है, मैं अभी फ्रिज के अंदर रख रहा हूँ रोटी को, ये रोटी मैंने यहाँ रख दी है, दिखाओ रोटी को। और ये मैं दिखाओ इधर, और ये मैंने थोड़े से कंगनी बाजरा ये मिक्स वगैरह करके रख दिया है, ये आधा कर दिया मैंने। और ये मैंने रोटी वगैरह रख दी है, ये देख सकते हैं आप, ये लोटीनो का पिंजरा था। अच्छा, और ये फिशर के लोटीनो येलो फिशेज के सीजन में आ गया हूँ, ब्लू फिशेज वगैरह के। अभी इनको मैं फीड में डालूँगा और मैं दिखाऊँगा इनको फीड क्या कर रहा हूँ, और मैं दिखाता हूँ। अभी रोटी डाल रहा हूँ, ये भी 40 प्याज जोड़े हैं, ये भी देखिए रोटी सारी खाएंगे, ये बाजरा में आधा डालूँगा, ये मैंने रोटी अच्छी खासी डाल दी है, और ये मैंने 2-3 डालने बाद ये मैंने रोटी डाल दी, बाजरा नहीं डाली, बस शीशे के पिंजरे के अंदर मैंने डाल दिए, और ये रोटी वगैरह डाल दी है मैंने, ये रोटी डाली है, ये बाजरा डाला है, अभी ये बाजरा मैंने आधा कर दिया है, और ये रोटी मैंने ज़्यादा डाल दी है ताकि बजट लिमिट में रहे और कम से कम खर्चा है। तो अभी बिल्कुल मैंने आधा बाजरा कर दिया, रोटी डाल दी है, और मैं कल इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगा अपडेट क्या है। और ये रोटी जो है ना इंसान भी खाते हैं, और बहुत ताकतवर चीज़ है, परिंदों में कोई फर्क नहीं, परिंदे बड़े सेहतमंद और बच्चे भी बहुत अच्छे निकलेंगे, और कलरफुल बच्चे निकलेंगे आप देखिएगा। तो बाकी मैं अपडेट आप कल मैं इंशाल्लाह ताला सुबह दूँगा। इनको फीड वगैरह डालेंगे, इनको फीड वगैरह डाल, लोटीनो है, डव है, ये साथ ही हैं, इनके साथ ही ब्रीडिंग करेंगे, साथ ही अंडे बच्चे करेंगे, इन्हीं के साथ है। अब इनको मैं फीड डालता हूँ और दिखाता हूँ आपको, आइए। ये मेरे कॉकर डफ है वगैरह सब देख रहे हैं, ये सब बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं खाने का, इनको मैं भी खाना डालूँगा, ये देखें बिल्कुल तैयार है, इनके फीड वगैरह डालता हूँ, और ये बैठे हुए ये डफे बैठी हैं बिल्कुल, अब इनको फीड वगैरह डालता हूँ, इनका डफों को बारीक कंगनी डाल रहा हूँ, और ये इनकी होगी थोड़ी सी, और ये थोड़ा सा ये कोफ्ते वगैरह के लिए, क्योंकि रोटी ख़त्म हो गई इनके लिए, आज रोटी नहीं है इनके लिए, आज इन्हीं की भी रखेंगे इंशाल्लाह। बन। अगर आपको ये मेरा बजट कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया आइडिया, तो आप मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं परिंदों के लिए, और मैं बताया आपको इससे पहले कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कुछ बताऊँगा, तो आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा इंशाल्लाह, आपको ज़रूर मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको फ़ायदा होगा, आपको क्या बल्कि जो देख रहे हैं उन सबको फ़ायदा होगा। फिलहाल इतना ही काफ़ी है, खुदा हाफिज़।